नमस्कार, आपका अपना चैनल आरवी नई कहानियां में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के अमरावती नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौंसा खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौंसा खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी, ये बताए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, परंतु चौंसा में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोड़ी होने का श्राप दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोड़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोड़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोड़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोड़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निःसंकोच पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के चौंसा खेलने और पार्वती जी के शाप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर, स्नानादि से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में 1 अंग भगवान शिव को अर्पण करके 1 आप ग्रहण करें। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वो मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे।
16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथिनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकता वश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल उसे घर से निकाल दिया।
रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया, तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भागा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी भागा दिया। भूखी प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लगी रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुझसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके शिव की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, ये सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गईं।
पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये 16 सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो। धन्यवाद।